गुर्बत नहीं थी, अमीरी भी नहीं थी, लेकिन ये था कि था सब कुछ कि किसी बर्तन की जरूरत है वो भी घर में अम्मा ने बनाए हुए हैं, परातें ली हुई हैं, देगचे लिए हुए हैं, हांडियां रोटियां करने के लिए सब। तो नानी जान को सलीका तरीका था। हाँ, अम्मा को था। अम्मा भी छोटी उम्र में ब्याही गई थी, कोई ऐसी नहीं, लेकिन फिर भी अम्मा रख रखाव अम्मा के पास था, देन देन रख रखाव सब अम्मा ने, लड़कियों की रहमत आपा की शादी की, फिर नच्छो आपा की शादी की, इनकी शादियां अम्मा ने, अम्मा आई है तो अम्मा ने इनकी शादियां की। तो आप बताएं ना यहाँ साथियों को कि नाना जन की पहली शादी हुई थी तो वो जंगी बुखार से गुजर गई थी। हाँ, वो जंगी बुखार उनको चढ़ा था। उस जमाने में जैसे ये कोविड फैला है या ताऊन फैला था, उस जमाने में जंगी बुखार फैला था। ये कुकुबारा से मेरा ख्याल है इनको, इनकी घर पर लड़ाई हो जाती है। ये टेरिटोरियल होते हैं ना, तो ये आके ऐलान करते हैं कि हम यहाँ बैठे हुए, हमारा है ये इलाका। तो ये सरे शाम भी और सुबह जब पौ फटती है तब भी इन्होंने काफी शोर शराबा मचाया होता है। तो नाना जान की हमारी पहली शादी हुई तो उनकी एक बेटी थी और उनकी वाइफ जो थी वो जंगी बुखार से फौत हो गई। तो कितनी थी रहमत खाला, कितनी बड़ी थी जब फौत हुई उनकी अम्मी? मेरे ख्याल 1.5 साल की थी। हाँ, छोटी सी, बहुत छोटी जी। फूफियों ने पाला फिर उसको, फूफियों ने, कोई और पता नहीं कौन उनको संभालता था। खाला आके कर जाती थी, खाला सुगरा, उसको नला दुला जाना, कंघी कर जानी उसकी। हाँ, छोटी सी की। हाँ, खूबसूरत थी वो। हाँ, रहमत खाला। हाँ, गुड़िया, गोरी चिट्टी, गुड़िया, गोरी चिट्टी। हाँ, और जो दूसरी बेगम नाना जान की थी वो चाइल्ड बर्थ में फौत हुई थी। नचो खाला की अम्मी बच्चे की पैदाइश के दौरान नहीं फौत हुई? हाँ, मेरा ख्याल है, अब मुझे याद नहीं रहा इतना। और नाना जन की दूसरी बेगम कोई, मेरा ख्याल है कि चाइल्ड बर्थ में भी उनकी एक वाइफ फौत हुई थी और एक जंगी बुखार से। याद है आपको कुछ? नहीं, इतना नहीं याद। अब तो नाना जान की दो बीवियां एक एक बेटी छोड़ के गुजर गई। नाना जान पहली और दूसरी, पहली और दूसरी। तो नाना जान के सेकंड वाइफ के अब्बू जो थे उन्होंने कहा कि मेरी दूसरी बेटी ले लें नाना जान। तो नाना जान के घर दो बहनें, समझो एक की वफात के बाद फिर छोटी बहन आई। तो नचो खाला की अम्मी जो थी और अम्मी की अम्मी जो थी वो सगी बहनें थीं। कुछ भी नहीं था, दो छोटे छोटे बच्चे घर में, बेटियां और देख रख करने वाला कोई भी नहीं। तो नाना जान बहुत परेशान। तो जब इनके अब्बा को पता लगा, जो नाना थे बच्ची के या ससुर थे नाना जान के, वो फिर कहने लगे कि परेशान ना हो, मैं अपनी दूसरी बेटी दे देता हूँ। तो नाना जान की उम्र में और नानी जान की उम्र में काफ़ी फ़र्क था। नानी जान बहुत यंग थी और नाना जान जो हैं वो जब दो बीवियाँ इस तरह उन्होंने लूज़ कर दी तो बहुत दुआएँ करते थे कि लामिया मुझे लंबी उम्र वाली बेगम बीवी बता करना, क्योंकि दो इस तरह बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सदमा है कि रस्ता बस्ता घरों से बीवी गुजर जाए, पहले एक फिर दूसरी, और छोटे छोटे बच्चे देख, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, तो वो फिर नाना जान ने बहुत दुआ की। तो नाना जान ने ख्वाब देखा, नाना जान ने ख्वाब देखा कि वो समंदर के किनारे एक दरख्त लगाते हैं तो लहर आती है तो दरख्त को बहा के ले जाती है, तो दूसरा फिर पेड़ लगाते हैं तो फिर लहर आती है फिर उसको बहा के ले जाती है, तो तीसरा पेड़ जो लगाते हैं वो देखते हैं कि वो खड़ा रहा, फिर वो लहरें आती जाती हैं लेकिन वो दरख्त वहाँ से हिलता नहीं। तो नाना जान को पता लग गया था कि अब मेरी जिससे शादी होगी तीसरी वो लंबी उम्र वाली होगी। तो हमारी नानी जान 90+ की थी। हाँ, नानी जान 90+ उनकी उम्र थी और नानी जान हमेशा कहती थी कि ये तुम्हारे नाना मेरी लंबी उम्र के लिए दुआएं कर गए हैं। और उनकी दुआएं सिर्फ नानी जान के हक़ में पूरी नहीं हुई, उनकी सारी बेटियां, मैं हैरान होती हूँ कि देखो बाज़ दफ़ा दुआएं जो हैं वो कैसे नस्लों में भी पूरी होती हैं, कि नाना जान की सारी बेटियों ने लंबी उम्रें पाई हैं। तो हमारी तीन खालाएँ जो फौत हुई हैं तीनों बहुत लंबी उम्र पा के फौत हुई, और आपा, रहमत आपा जी और बाजी जी, तीनों तीनों ने माशाल्लाह 80+ उम्र पाई और फिर उनकी वफात हुई, अच्छी खासी उम्र। और नानी जान की भी हमें तो खैर इतना पता भी नहीं है लेकिन काफ़ी लंबी उम्रें थी उनकी। तो फिर अम्मी से पूछते हैं कि नानी जान फिर ब्याह के आई घर?
अम्मा की बहुत छोटी उम्र थी, अभी अम्मा को रोटी पकाने भी नहीं आती थी। अब्बा जान आटा गूंदना सिखाया अब्बा जान ने अम्मा नु के एडा आटा गूंदना, इन्ना पानी पाना, इन्ना एडा मुठी बनानी ओदी और आटे दी। और अम्मा ने फिर अब्बा जान ने सारा कुछ सिखाया। अब्बा जान जरा वड्डी उम्र दे सी ते अम्मा बहुत छोटी उम्र दी सी ते अम्मा नु ये चीजां आंदियां ही नहीं सी बिल्कुल, रोटी राटी पकानी, आटा गूंदना, बस ये अब्बा जान ने सिखाईयां सारियां। तो कैसी जिंदगी गुजरी दोनों की आपस में? अच्छी अच्छी गुजरी। फिर आप लोगों के जब रिश्ते विश्ते आते थे तो कौन फैसला करता था शादी का कि कहाँ करना कहाँ नहीं करना? बस शादियां दे फैसले अब्बा जाने कर दे सी ज्यादातर, अम्मा ते घट वादी कर दी सी। ये सी के प्रौने आए या रिश्ता देखण आए या कुछ ते हांडी रोटी दावत शावत ये सारा अम्मा चलांदी सी, लेकिन अब्बा जान जेड़े सी ओ सिर्फ चीजा लिया दितियां प्रौणिया ने आना है, फल लिया दिता, फिर ओना दा ख्याल भी रखिया प्रौणिया दा, छड़न गए लैन गए। उदो ये सी के टांगा टांगा करांदे सी अब्बा जान ते, जेड़ा कोई आया हुंदा सी ओनू टांगे च बिठाना ते पल्लियों पैसे देने टांगे वाले नू ते ओनू ओनू घर तक पहुंचा देना। शादी की तारीख तो रूह बस ये सी कि तारीख की अब्बा जान ही तय कर देंदे सी जो कुछ भी रिश्ता आया या फैसला की करना, कुड़ी तोरनी के नहीं तोरनी, किह जा घर वा। कदे कदे अम्मा नू भेज देंदे सी कि देख आए जाके घर बार जिथे कुड़ी भेजनी है, ते या कदे खुद भी अब्बा जान खुद चले जाते सी उन्हां दे घर कि एक टाइम जाके उत्थे बैठना गल्लां बातां करनियां ते अब्बा जान उहदे चों फिर मक्खन समझो कढ लेंदे सी, उदो अंदाजा कर लेंदे सी ये घर किह जिहा वा, ये किदां रखणगे कुड़ी नू, चंगा रखणगे या माड़ा रखणगे, इहनां दा तौर तरीका की है। कुछ ना कुछ अब्बा जान नू इहदे आइडिया हो जांदा सी गल्लां बातां नाल, ते अब्बा जान फिर फैसला कर लेंदे सी कि इत्थे हुण कुड़ी करनी तोरनी कि नहीं तोरनी। लेकिन अक्सर ये सी कि अब्बा जान साढ़े ज़्यादा मेन मेख नहीं सी कढदे, ये आ के दुआ करके ते बस कुड़ी नू तोड़ देना, अल्लाह अल्लाह ते खैर चल। तो सारी बसी सारियां बसियां दो चार बंदे अब्बा जान बुला लेंदे सी दुआ दुआ ले, दुआ करके कुड़ी रुखसत कर देंदे सी ते अल्लाह अल्लाह ते खैर चल, ते वसदी रहंदी सी। तो उनकी जिंदगी में उनके उनके ग्रैंड किड्स हुए थे नाना जान की जिंदगी में, नाना दादा बने थे? हाँ नाना जान ने अच्छा आपा दे बच्चे हुए सी, रहमत आपा दे बच्चे सी। अच्छा ठीक 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 ठीक। तो वो तो इतनी उम्र नहीं थी उनकी जब फौत हुए, 63 आई थिंक अब्बा जान। हाँ 12 साल दे काट बार दे बहुत यंग। हाँ बहुत यंग फौत, बेचारे माड़े हो गए सी। वो तो जमाने भी ऐसे होंगे ना, पता भी नहीं चलता होगा कि। तो फिर बच्चियां जब ब्याही जाती थी फिर घर आती थी वापस मिलने मिलाने कब आती थी? हाँ थोड़ा बहुत ही, अब्बा जान जाके ले आंदे हुंदे सी, ते अब्बा जान नूं इह हुंदा सी ख्याल के कुड़ी उदास हो गई होनी है ते हुण मैं उहनूं लै आवां जरा दो चार दिन लई, ते अब्बा जान उहनूं जाके लै आंदे हुंदे जी। बस फिर उहनूं जोड़ा कपड़ियां दा बना देना जाण लगी नूं ते अच्छे रिवाज थे है ना। हाँ घर छड्ड आना उहनूं जाके, अब्बा जान ने घर छड्ड आना ते लै भी आना कुड़ी नूं। और ससुराल वाले बेटी के सास ससुर वगैरह आते थे कभी? हाँ आंदे सी आंदे सी। अच्छा अच्छा रहमत आपा दे आंदे सी। अच्छा अच्छे अच्छे सी ओ हिंदुस्तानी, उर्दू बोलदे सी सारे, दिल्ली दे सी ओ, ते ओ रख रखाव भी उन्हां च हैगा सी, आना ते लै के आना कुछ, अच्छा जाना ते कुड़ियां नूं कुछ पैसे दे के जाने, रुपया रुपया अठ अठ आने चार चार आने जो जो भी तफीक हुंदी सी। उस जमाने चार आने भी बड़े समझे जांदे सी ते ओ कुड़ियां दे हाथ ते रख के जांदे सी। बदल गया वक्त, बहुत बदल गया उस जमाने में, अब देखे ना यहाँ की जिंदगी कैसी है। चलो जो भी है मैं तो खुदा दा शुक्र करनी है, अल्लाह दा शुक्र है कि आराम से मैं तो आराम से रहती हूँ, खाती पीती हूँ, कोई किसी चीज़ की थुड़ नहीं है, कपड़ा लत्ता कमरा मुझे मिला हुआ है, खाने पीने को मुझे मिलता है, हर चीज़ अल्लाह ने मुझे दी हुई है यहाँ, मुझे किसी चीज़ की थुड़ नहीं, बच्चे भी मेरी इज्जत करते हैं ख्याल रखते हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल की बच्चियाँ जैसे हमारी बेटी है,
उस बच्ची में और आपके जमाने की बच्ची में क्या फर्क था समझदारी के हिसाब से? अब भी बेटियां समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ ये है कि जानती हैं, पहनना ओढ़ना भी जानती हैं, कर भी घर का काम भी जानती हैं, पकागोंद भी कर लेती हैं। अल्लाह का एहसान है, बहुत कुछ इनमें सलीके तरीके जमाने के रिवाज के मुताबिक इनको आ गए हुए हैं और ये अपने घर अच्छे चला लेती हैं। बिल्कुल। और आपके भाई जो थे उनके रिश्ते देखने कैसे गए आप लोग? कहाँ ढूंढी बहुएं उन्होंने, नाना जान ने या नानी जान ने क्या देखा, क्या ढूंढते थे? बहुएं तो ये ज़्यादातर मैं ही देखने जाती थी और मुझे ये होता था कि घर का सलीका तरीका देखूं। पता नहीं उस जमाने में यही देखा जाता होगा कि घर का सलीका तरीका क्या है, पहनना ओढ़ना, बिस्तर कैसे हैं, साफ हैं या गंदे हैं, या चरपाइयाँ कैसी हैं, ये देखती थी मैं। बर्तन कैसे है, जग पानी का कैसा, हाँ ये चीज़ें मैं देखती थी। लेकिन पता नहीं मुझे कहाँ से ये अकल आई हुई थी कि मैं ये चीज़ें देखूं। लेकिन अब मुझे ख्याल आता है कि कई चीज़ें ऐसी थी कि किसी के घर गई तो उन्होंने किया कि गोश्त जो था वो पानी वाले जग में धो लिया। अब मुझे इतनी घिन आई तो मैं खाऊं ना सालन उनके घर से कि उन्होंने पानी वाले जग में गोश्त धो लिया। चाहे उन्होंने खंगाला धोया होगा, कुछ भी किया होगा उसके साथ, लेकिन बस दिल नहीं माना। दिल नहीं माना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके हम आदी हो चुके होते हैं, जो हम नहीं करते, जो हम दिल नहीं माना कि पानी वाले जग में उन्होंने गोश्त धो लिया। तो फिर आपने भाभियां अपनी खुद ढूंढी? कोई ढूंढी, कोई अल्लाह ने नहीं दे दी हुई है समझ। अच्छा, ढूंढने जाओ तो बंदे को वो चीज नहीं मिलती जो वो चाहता है। बस अल्लाह मियाँ खैरात डाल दे झोली में तो ठीक है, अल्लाह डाल दे कुछ भी। सही बात। तो देख लें साथियों, शाम ढल गई, अंधेरा हो गया, चलते हैं अंदर, मियाँ साहब आ गए हैं। देखें उनको खाना वाना दें तो अम्मी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना वक्त दिया, बातें की, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी। वो ज़माने हमें तो बाज़ों का ऐसे लगता है क्योंकि हम अमूमन ये बातें जो हैं अम्मी से पूछते सुनते रहते हैं, इसलिए कि हम इनसे सीखें, हमें पता हो कि हमारे पुरख जो थे, हमारे पिछले जो थे, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारा करते थे, उनमें क्या सलीका तरीका था, क्या अखलाकियात थी, क्या रख रखाव था, क्या तहजीब थी हमारी। अगर हमें पिछलों की इन चीज़ों का, इन खूबियों का, इन आदतों का पता नहीं होगा तो हम अपनी नस्लों में ये चीज़ें डाल कैसे सकेंगे। जैसे घर से कोई मेहमान जब रुखसत हो रहा हो तो जब तक उसकी गाड़ी नज़रों से ओझल नहीं हो जाती हम लोग जाते नहीं हैं। अब अम्मी हैं, अम्मी वॉकर के साथ चलती हैं और रैंप भी है और अच्छा खासा बड़ा घर है, चलना अच्छा खासा पड़ता है। अभी तक कोई मेहमान आए, कोई जा रहा हो, अम्मी खुदा हाफिज़ करने के लिए बाहर तक आई होती हैं, खुदा हाफिज़ करके उसको फिर अंदर जाती हैं, जब तक गाड़ी नज़रों से ओझल ना हो जाए, सड़क पर चली ना जाए। तो हमें ये चीज़ जो है बहुत अच्छी लगी। हम सिडनी जाया करते थे, अब तो वो बुज़ुर्ग हमारे इस दुनिया में नहीं रहे। जब हम सिडनी जाते थे तो हमारी ज़ात क्या, हम तो उनके लिए एक बच्चा ही थे समझें। जैसे कोई भी अगर कुरान का हमें हवाला ढूंढना होता था या कुरान से कोई मालूमात लेनी होती थी कि कुरान इस टॉपिक के बारे में क्या कहता है, तो हम उनको कॉल करते थे कि इसका क्या मतलब है, इसकी क्या तफसीर है। क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं कि हम किसी सुनी सुनाई बात के पीछे चलें। हमारे हाथ में किताब है, अल्लाह ताला ने अकल दी है, समझ दी है, और सुन्नत रसूलुल्लाह जो है वो हमारे सामने है। बात के सही होने या गलत होने का जो मयार है वो कुरान पाक है। तो एक तरह से कुरान पाक जो है वो किताब है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो उस किताब को प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। तो जब भी हमें कोई बात समझ नहीं आती थी या हम को पता नहीं लगता था कि ये किस हवाले में यहाँ पर किस तरह पर ये बात की, जबकि उसी टॉपिक पर दूसरी जगह पर उसके मुतज़ाद बात की गई है, तो फिर हम उनको कॉल करते थे कि हमें वो इसका मतलब बताएं, हमें ये समझ नहीं आया। तो हम तो कुछ भी नहीं थे, वो तो इतने ज़िंदगी में भी वो बहुत अच्छी पोजीशन पे रहे और बहुत पढ़े लिखे और काबिल थे, दीन और दुनिया दोनों का नॉलेज था उनको। तो हम सिडनी जाते थे तो एक शाम हम उनके घर ज़रूर विज़िट करते थे। हम चाहते थे हमारे बच्चे उनसे मिलें और हम चाहते थे कि हमारे बच्चों को बुज़ुर्गों का अदब आए, कि पता हो कि अगले के घर गए हैं तो सर झुका के मिलना है। तो हम उनके घर जाते थे। हमें याद है जब हम फ़ोन करते थे उनको कि हम चल रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं होटल से बाप की तरफ, हम जब पहुंचते थे तो वो बाहर सड़क पे खड़े होते थे निकल के,
सड़क पे खड़े होते थे निकल के हमारे इंतज़ार में, और हमें इस कदर शर्मिंदगी होती थी। उनकी हमने एक फ़ोटो ली हुई है, आखिरी बार जब हम उनसे मिले हैं तो हमने गाड़ी की स्क्रीन के थ्रू फ़ोन से जल्दी से उनकी फ़ोटो ले ली, जहाँ वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में बाहर निकल के खड़े। हालांकि उनकी उम्र थी कोई 80+ होंगे, वो उम्र उनकी अच्छी, और उनकी टांगों में भी तकलीफ़ थी, वैसे आसानी से चल फिर नहीं सकते थे, मुश्किल था उनके लिए। इसके बावजूद वो निकल के सड़क पे खड़े होते थे, और हम सोचते थे हम क्या हैं, क्या हमारी ज़ात और क्या हम चीज़, हम तो कुछ भी नहीं हैं, एक इतने बड़े इंसान के सामने हमारी हस्ती है क्या। और हमें ये आजजी, ये इनकसारी, ये अखलाकियात बहुत अच्छी लगी, और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें आज की दुनिया के लोग अपनाएं। और हम सोचा करते थे कि पता नहीं कब से निकल के खड़े होंगे ये हमारे इंतज़ार में। और अमूमन हम जब जाते थे उनके घर तो बातों बातों में फैमिली होती है, ज़ाहिर है सिडनी गए होते थे, हल्ले गुल्ले में बाज़ दफ़ा हम घर भूल भी जाते थे कि किधर को जाना था, बातों बातों में कहीं और को निकल गए, तो ना जाने वो कितनी देर खड़े होकर हमारी राह देखते होंगे। हम जाते थे वो बाहर खड़े मिलते थे, गेट के भी बाहर सड़क के किनारे, और जब हम वापस आते थे तब भी वो हमें बाहर तक आकर रुख्सत करते थे। एक ही ऐसी बात है जो हर शख्स को अपनानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, और हमें ऐसा लगता है कि ये वो चीज़ें हैं जो आपका दामन ब्लेसिंग्स से भरती हैं, बरकतों से भरती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला पसंद करता है कि मेहमान की क्या हैसियत है, मेहमान के क्या हकूक़ हैं, उसको क्यों अल्लाह की रहमत कहा गया है, वो कैसे लेकर आता है, ये आपकी एक जांच है। जैसे हम बाज़ों का बताते हैं अपने साथियों को कि छोटे छोटे इम्तिहान जो हैं अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में रखे होते हैं, आपको नहीं पता होता किस बात पे वो आपको कब जांच रहा है, कब वो देख रहा है कि आप किस तरह एक्ट करते हैं, कहीं आपने देख करके ये छोटा है या ये काम करने वाला है या ये किसी छोटी मुलाजमत पे है या ये गरीब है, वो ये आपके घर आया था आपने उसको वो मकाम नहीं दिया जो कि आपने एक अमीर को दिया था या एक बड़े इंसान को दिया था। तो एक बराबरी, एक इंसानियत की रिस्पेक्ट, एक मेहमान की बराबर की हैसियत, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, ये हमने उनमें देखी थी। तो हमें लगा कि ये वो चीज़ें हैं जो खुदा ताला पसंद करता है, यही वजह है कि वो फिर दूसरे के दिल में मोहब्बत डाल देता है। हम क्यों मिलने के लिए जाते थे, चाहे हमारा स्केड्यूल कितना ही टाइट क्यों ना होता हो, हम चाहे हाथ लगा के उनके यहाँ भागें, लेकिन हम अपने बच्चे लेकर वहाँ पहुँचा करते थे कि एक दिन एक शाम हमने उनके घर जाना है ताकि हमारे बच्चे उनकी सोहबत में बैठें। तो ये बातें तो हमारी आज ख़त्म ही नहीं होनी है, शायद चलते हैं। बर्तनों की आवाज़ आने लगी किचन में से, देखें मियाँ साहब को, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत।